अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिमाग ना एक तरह का सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन हम लोग फ़ोन चलाने का सिस्टम सीख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, या इवन हम लोग मार्केट से कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसका क्या किस तरह से यूज़ करना है। इवन हम लोग फ़ोन जो भी है खरीदते हैं उसका फीचर समझते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन समझते हैं, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप हो गया उसका भी हम लोग इंस्ट्रक्शन समझते हैं और उसको सीपीयू का या फिर उसका जो प्रोसेस है वो सब समझते हैं कि क्या है कैसे काम करता है। लेकिन हम लोग अपने ही दिमाग के प्रोसेस को, अपने ही दिमाग की पावर को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे दिमाग का पावर क्या है, हमारे दिमाग का रिचार्ज, हमारा दिमाग किस तरह से रिचार्ज होगा, हम अपने दिमाग को किस तरह से अपडेट कर पाएंगे। हम लोग अपने ही दिमाग के बारे में नहीं समझ पाते हैं और यही रीज़न होता है कि हम लोग अपने दिमाग को ना अपडेट कर पाते हैं, ना रिचार्ज कर पाते हैं और ना ही क्लीन कर पाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने दिमाग को, जो हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है, उसको हम लोग कैसे इसके सपोज डेट कि ये मेरा दिमाग है एक तरह का सॉफ्टवेयर, या हर इंसान का दिमाग एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से एक फ़ोन लेते हैं तो उसको हर 6 महीना या जब भी कंपनी वाला उसको अपडेट करने के लिए देता है तो हम लोग उसको अपडेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने दिमाग को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, वैसे बुक जो सेल्फ हेल्प में हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, स्टोरी हो, ये सब अगर हम लोग अपना पढ़ते हैं तो इससे हमारा दिमाग क्या होता है, अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। उसके अलावा हम लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और अगर हम लोग कहते हैं ना वो कि मेहनत करने वाले या कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं वही इंतज़ार करने वाले को मिलता है, तो अगर हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो जो एक्सपीरियंस मिलता है तो वो भी हमारे एक्सपीरियंस से भी हमारा दिमाग क्या होता है, रिचार्ज होता है, और इस दिमाग हमारा क्या होता है, अपडेट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अपने दिमाग को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग, जैसे हम लोग सुबह से उठे, सुबह से लेकर अगर इंसान कंटिन्यू काम करता रहा तो हम लोग क्या हो सकते हैं, टायर्ड हो सकते हैं, थक सकते हैं। तो हम लोग अपने दिमाग को रिचार्ज कैसे करेंगे, जो हमारा स्लीपिंग आवर होता है रात में, जो जब हम लोग सोते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग क्या होता है, रिचार्ज होता है, और रिचार्ज होता है उसका फंक्शन समझ लीजिए रिपेयरिंग हो गया। इससे क्या हो गया कि हर इंसान को 6 से 8 घंटे तक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, और भी नींद की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार होता ना कि हम लोग 2 घंटा सोया, फिर उठ गए, फिर 3 घंटा सोया, नहीं, कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 घंटा सो मिनिमम भी, और मैक्सिमम 6 से 7-8 घंटा सोएंगे तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग उठते हैं सो के तो हम लोगों को क्या लगता है, फ्रेश फील होता है, तो इससे हमारा दिमाग रिचार्ज हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर से जुड़ सकते हैं, हम लोग बाहर जा सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं, नदी, जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नेचर है, नदी हो गया या पेड़ पौधा हो गया या फिर चिड़िया हो गया, पक्षी हो गए, इनको अगर आप देखते हैं ना तो इससे भी क्या होता है ना कि हम लोग नेचर को समझते हैं कि नेचर में किस तरह से चीज़ें हैं, बारीकियाँ से हैं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक जीने का या हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर कोई खाता है, हर कोई गोरेस्ट होता है, ये प्रोसेस हर चीज़ में है, जो भी लिविंग थिंग है सभी में है। लेकिन जब हम लोग नेचर से जुड़ेंगे तो उसको समझेंगे डीप में, इससे हमारा दिमाग क्या होगा, रिचार्ज होगा। और हम लोग अपने दिमाग को क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम लोग जो भी इंसान अगर अपने दिमाग को क्लीन करना चाह रहा है तो वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, उसके धर्म में जो भी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिलीजियस बुक पढ़ेगा, या फिर उसका समरी सुन सकता है, या फिर उसका थीम समझ सकता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लगभग सभी धर्म में कुछ चीज़ें ऐसे मना है कि चोरी करना मना है, या फिर किसी को चीट करना, धोखा देना, कुछ चीज़ सभी कास्ट में, सभी धर्म में मना है। तो उस तरह से हम लोग रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे तो उससे भी हम लोग की क्या होती है ना कि हमारा माइंड शार्प होता है और नॉलेज बढ़ता है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, इवन घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्किपिंग, जॉगिंग, जो आपको समझ में आए। उसके अलावा आप प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान प्रे करता है ना, तो सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो इंसान प्रे करता है, किसी भी रिलीजियस को मानता है और वो किसी भी गॉड को प्रे करता है, तो उसके सुसाइड का रेट क्या हो जाता है, कम होता है। अमेरिका में या फिर अदर कंट्री में, जो बहुत मॉडर्न या वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं खुद को, वहाँ के लोग ना अपने लाइफ से मतलब मशीन की तरह, वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बहुत लोग होते हैं कि किसी धर्म या किसी रिलीजियस में मानते नहीं हैं, और उनके लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा अपसेट या उदास हो जाते हैं, इवन वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो इसमें आपको ये तो कम से कम है कि भाई सुसाइड करना मना है। जब आप किसी भी गॉड को प्रे करेंगे तो उससे भी आपको क्या होगा कि दिल को, रूह को शांति मिलेगा, इससे आपको रूह को शांति मिलेगा, रूह को एनर्जी मिलेगा, इससे भी आपकी लाइफ क्या बन सकती है, हैप्पी हो सकती है। तो इस
तरह से हम लोग अपने दिमाग को रिचार्ज कर सकते हैं। और आपको भी चाहिए कि हम लोग अपने दिमाग को रिचार्ज करें कुछ सीख कर, कुछ समझ कर। एक दिन में कोई सीख नहीं सकता, नहीं समझ सकता है। इंसान रोज़ थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।